गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर पर बैठे बच्चे आसानी से हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई कर सके, है ना, और उसे अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए मैंने हिंदी मीडियम ही चूज किया कि आप लोग घर में आसानी से बिना बुक्स के, है ना, बिना बुक्स बिना मटेरियल के आप लोग इसको पढ़ सके और समझ सके, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बुक से मैं इसी मकसद से पढ़ा रही हूँ ताकि जिनके पास किताब ना हो फिर टेंशन नहीं लेंगे। वो बुक से मैं लाइन में पढ़ा रही हूँ और सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रही हूँ। जब वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाता है, एक चैप्टर में कम से कम 8 या 10 वीडियोज तैयार होते हैं। जब चैप्टर कम्प्लीट होता है तो लास्ट वीडियो में मेरे केवल क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ठीक है, सारे डाउट उसमें क्लियर रहते हैं। ओके, अब मैं पढ़ा रही हूँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चैप्टर चल रहा है, वर्क एंड एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो चुका है। आज मैं बता रही हूँ ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। कोई भी एक्टिविटीज देखिए, ऊपर में बहुत सारा क्रियाकलाप दिखलाया गया है कि कैसे कैसे ऊर्जा एक दूसरे में कैसे परिवर्तन होते हैं। वह एक जगह उनके बारे में मैं बतलाए भी हूँ कि उनका ना तो विनाश होता ना ही सृष्टि होता है, है ना। वो एक दूसरे के रूप में बदलते रहते हैं, उनका हमेशा रूपांतरण होता रहता है। ये एनर्जी से वो एनर्जी, वो एनर्जी से वो एनर्जी, शौर है तो फिर केमिकल एनर्जी है, है ना, ऊष्मा एनर्जी है तो प्रकाश एनर्जी, मतलब वो किसी न किसी एनर्जी में वो कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बतलाया था और अभी मैं बतला रही हूँ। तो 11.13 और 11.14 में हमने देखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ, टोटल ऊर्जा का क्या हुआ? तो ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, है ना, वह चेंज नहीं होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ना तो इसकी उत्पत्ति की जाती है और ना ही इनका विनाश होता है, है ना, ना तो इनकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इनका विनाश होता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, अचर तो कांस्टेंट रहती है, है ना, ये नहीं कि कम या अधिक हो गया, वैसा नहीं होता है। चेंज होने के पहले, कन्वर्ट होने के पहले जो ऊर्जा और कन्वर्ट होने के बाद, रूपांतरित होने के बाद भी जो टोटल एनर्जी है वह सदैव कांस्टेंट रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है, क्योंकि वह जो है अचर होता है, पहले वाला एनर्जी वो भी और जो बाद में कन्वर्ट हुआ वो भी, दोनों एनर्जी हमेशा अचर रहती है। और इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में तथा सभी प्रकार के रूपांतरण में इसे मान्य किया गया, इसे माना गया है, मान्य है। ठीक है, एक सरल उदाहरण पर विचार करते हैं। मान ले कि m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है और प्रारंभ में स्थितित ऊर्जा mgh है और गतिज ऊर्जा शून्य है। ठीक है, m द्रव्यमान,
कि वस्तु कि एक वस्तु एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? वह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है ना? इसका प्रारंभिक वेग क्योंकि जो ऊपर से गिराई जा रही है ना, तभी तो गिरा नहीं है। जब गिराई जा रही है उसके बाद धीरे धीरे इसका गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी तो शून्य है, उसके बाद धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। तो प्रारंभिक वेग शून्य है और इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है ना? अभी क्या है, इसका कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहां से वस्तु ऊपर से मान लीजिए नीचे गिराया जा रहा है ना, ऊपर से वस्तु नीचे गिराया जा रहा है तो यहाँ पर कुल ऊर्जा mgh है। और जब वस्तु गिरती है जब नीचे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसमें गति आ जाती है और वो ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है, तो इसमें कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी है ना। गतिज ऊर्जा गिरने लगती है, बढ़ने लगती है। और यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एमबी स्क्वायर होगी, है ना। जब हमारा स्थितिज ऊर्जा है mgh और दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होते जाती है। देखिए यहां से कोई वस्तु गिर रहा है, यहां पर तब का टोटल ऊर्जा था, कुल ऊर्जा था mgh ऊपर में, है ना, m इंटू जी इंटू एच। लेकिन जब वह जैसे जैसे वो नीचे गिरते जा रहा है तो उसमें क्या हो जा रहा है, उसकी ऊर्जा में कमी आती जा रही है ना, उसकी ऊर्जा में कमी आती जा रही है। और किसमें बढ़ती जा रही है ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में। वो यहाँ पर शून्य था लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, उसमें गतिशीलता आ गई है, उसमें गतिशील मतलब हो रहा है, गति हो रहा है। तो क्या हो गया कि यह गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थिति ऊर्जा कम होती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है ना, जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइट जो था जहां से वो गिराया गया था और जहां पर वो गिरा है ना, पृथ्वी पर आके गिरा, धरती पर आके गिरा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा ना। ऊपर से जो गिर के आ रहा था वह बहुत स्लो, पहले जीरो था, जीरो के बाद धीरे स्लो हुआ, फिर धीरे धीरे फास्ट हो गया, तेज हो गया और लास्ट में क्या हो गया, अंतिम वेग अधिकतम हो गया, है ना। तो इसलिए जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। यहाँ पे समझ आ रहा है आप लोग को, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। तो जब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि जब जब जैसे जैसे जिस बिंदु पर जिस क्षण पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यदि स्थितिज ऊर्जा कम होते जा रहा है, न्यूनतम होते जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, अधिक होता जाएगा और ऊर्जा का योग समान रहेगा। स्थिति ऊर्जा कम रहेगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का योग
बराबर रहेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर, है ना। ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। या mgh, इसको वैसे भी लिख सकते हैं और लिखते हैं mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू अचर, है ना। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू अचर, कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे एक न्यूनतम होते जाता है और दूसरा कैसे अधिकतम होता जाता है, दोनों ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ उसका योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। ऐसे भी मैंने पहले कहा था कि यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट हुए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है ना। वही है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ने से या उनका योग जो है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि हो जाती है, है ना। ये तो अभी भी हम समझाया आप लोगों को कि जहां पर स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी वहां पर गतिज ऊर्जा अधिक होता जाएगा। तो किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी होती है यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है, है ना। जितना कमी पोटेंशियल में होगा उतना ज्यादा वृद्धि काइनेटिक एनर्जी में होगा, या पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है, है ना। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh, gh का काइनेटिक एनर्जी में निरंतर रूपांतरण हो रहा है, है ना। लगातार कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब है एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी है कि 20 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड 4 एम की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, है ना। 20 केजी मास का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है और निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करें और सारणी के रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे क्या है कि एक मास दिया हुआ है 20 केजी और कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से ऊपर से गिराया जा रहा है, यानी कि मुक्त रूप से गिराया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि हर स्थिति में वह स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करना है और बताना कि हर स्थिति में उसका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी बना हुआ है ऊंचाई जहां पर पिंड स्थित है। ठीक है, जहां पर पिंड स्थित है और ये है हाइट है 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, यहाँ है स्थितिज ऊर्जा EP पोटेंशियल एनर्जी, mgh काइनेटिक एनर्जी, mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, इसको हमको निकालना और भरना है। तो ऊंचाई जहां पर पिंड स्थित है ये ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, और मास कितना है 20 केजी, और परिकलन
सुविधा के लिए ग्रेविटेशन का मान दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको लेते हैं एक सुविधा के लिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, इसीलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले गया। तो इसे अभी हम मौखिक रूप में बतला देते हैं, ऐसे इसको हम बना करके डाल देंगे, जैसे मैथ्स डालते हैं ना उसी तरह हम डाल देंगे, कैलकुलेट करके इसको भर के और इस सारणी में बना के हम डाल देंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझिए कि यहां पर है MGH, है ना, तो MGH तो M है 20 kg इंटू G है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू H कितना है 4। ठीक है, ये है 4, तो ये कितना होगा आपका 20 इंटू 10, है ना, उसको मल्टीप्लाई कीजिए और इंटू 4, तो कितना हो गया 800 जूल। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 800 जूल, और यहां पे आपका आएगा 3 मीटर पर, है ना, तो 3 मीटर पर है, इसका मतलब हुआ कि यह जमीन से धरती से कितना ऊपर है, धरती से 3 मीटर है, लेकिन ऊपर से कितना मीटर वो आया है, 4 मीटर के बाद 1 मीटर और 3 मीटर तक, है ना, तब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे तो वी निकाला हुआ नहीं था ना, वेग निकालेंगे, वी निकालेंगे, वी निकालने के बाद ही गतिज ऊर्जा निकलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाँ, तो हम लोग यहाँ पर वी निकालेंगे, तो वी निकालने के लिए इक्वेशन का नियम लगाएंगे, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, है ना, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस फॉर्मूला पर बनाएंगे, तो यू है 0, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2 इंटू ए, ए है 10, है ना, 10 इंटू, और एस जो है वह है 1 मीटर, क्योंकि 4 मीटर के बाद 3 मीटर तक पहुंचा, यहां तक तो कितना दूरी तय किया 1 मीटर, है ना, 1 मीटर, तो 1 मीटर इसको सॉल्व करने पर आता है 600, है ना, 2 इंटू 10 इंटू, और 60 आएगा, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब इसे हम फॉर्मूला में करेंगे पुट, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम के जगह पर 20 और वी की जगह पर 60, है, और वी की जगह पर 60, तब ये हो जाएगा 200, और 200 जूल, है ना, यहाँ हो जाएगा 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी में हाफ वी मास 20 इंटू वी 20, यहाँ हो जाएगा 200 जूल, और एमजीएच में हो जाएगा 600 जूल, एमजीएच हो जाएगा 600 जूल, और यहाँ पर 200 जूल, दोनों मिला के फिर आपका हो जाएगा
800 जूल्स, ठीक है, और फिर 2 मीटर ऊंचाई वाला में हम निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 2 मीटर में एफजीएच 20 kg इंटू 10 m/s² इंटू 2 मीटर, है ना, 2 मीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 जूल, 400 जूल। और फिर हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला से फिर वी निकालेंगे, तब फिर हाफ एम बी स्क्वायर में पुट करेंगे, तो फिर यहाँ पर आएगा 400 जूल। गतिज ऊर्जा कितना आ जाएगा, 400 जूल। और जब हम 1 मीटर भूमि से ठीक ऊपर 1 मीटर का जब करेंगे, तो इसका एमजीएच होगा मास 20 × 10 × 1, है ना, तो ये हो जाएगा 200 जूल, एमजीएच हो जाएगा 200 जूल। और हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा 600 जूल। तो इसको मैं बना के, है ना, पेपर में बना के सारणी में डाल करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी ऐसे मैंने ओरल बतला दिया, मौखिक बतला दिया, लेकिन नहीं समझ में आएगा मुझे लगता है, इसलिए मैं कॉपी में बना के सारणी की तरह बना के मैं पेज को इसमें डाल दूंगी, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए, ई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये हमारा हर तरफ बराबर है, हर जगह बराबर है। 400 400 है, यहाँ 200 जूल है तो 600 जूल है, यहाँ 600 जूल है तो 200 जूल है, यहाँ 400 जूल है तो 400 जूल है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर वो कांस्टेंट है, जितना एनर्जी था कन्वर्ट हुआ तो या कन्वर्ट के पहले, वो जो एनर्जी जितना था उतना है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये जो एग्जाम्पल मैंने बतलाया, ये एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है, इससे भली भांति समझ में आ जाएगा ये वाला, है ना। तो इसको मैं बना करके इसी सारणी में कंप्लीट करके डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। और मौखिक में उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, हम पेज में बना करके हम डाल देंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यही देखिए कि यहाँ पर 200 जूल है तो यह 600, 600 है तो 200, 400 है तो 400, मतलब किसी न किसी एंगल से यहाँ पर 800 जूल हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब है कार्य करने की दर, है ना, कार्य करने की दर क्या है, और विचार कीजिए कि यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता, है ना, यदि ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता तो क्या होता। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता, क्या इससे आप सहमत है? आप समझिएगा सहमत है या नहीं है, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अब है कि कार्य करने का दर, क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं, आइए इसे निम्न क्रियाकलाप से समझें, है ना। कार्य करने का दर क्या सबका बराबर रहता है? ऐसा नहीं। क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है? नहीं, है ना।
एजेंट जो ऊर्जा रूपांतर करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल है, क्रियाकलाप है, एक्टिविटी देखिए क्या कहता है। ऐसे ही मैं रीडिंग लगा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है? इससे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी ये क्रियाकलाप के बारे में और इसके आगे और बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, पहले मैं आप लोग को इसका मैथ्स बना के ये सारणी वाला कंप्लीट कर देती हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 169 का क्वेश्चन नंबर 3 वो अभी मैथ बाकी है ना, वो मैथ और ये सारणी, ये दोनों में एक वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए और कार करने का दर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप लोग को जहां पर नहीं समझ में आ रहा आप लोग पूछिए, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए आप लोग कुछ सोचिएगा नहीं, आराम से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, है ना? ठीक है, चलिए, आइकन बेल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।